नहीं तो सही बात है, बचपन को और कैसे भूल सकता है। बचपन की जो यादें हैं वो सारा जीवन याद रहती है, और उसका कभी आनंद आता है, कभी दुख भी होता है, और कभी बहुत ही खुश होता हो गया। हमारी माँ मुझे गोद में जाकर दूध पिलाती थी, सर में तेल लगाती थी, प्यार करती थी, अभी सुनाती थी अपने छाती की लगा कर, ये सारी बातें कहाँ मिलेंगी। और इसका जो आनंद है पूरी जिंदगी भर मैंने उठा, सभी उठाते। कलाकार की बात छोड़ दी, आप दुनिया में कोई भी किसी प्रकार का भी रिस्पॉन्सिबल जॉब हो या रिस्पॉन्सिबल काम हो, या भगवान ने उसी के लिए उस व्यक्ति को बनाया हो, एक अच्छा इंसान अगर होगा तो उसकी और खुशबू बढ़ेगी, उसकी और चमक बढ़ेगी, उसके जीवन में उनको जहाँ भी खड़े होंगे लोग दर्शन करेंगे, उसको बहुत प्यार करेंगे। फिर आपने उसमें जरा से पीछे हटा और लोग देखेंगे उसको। मुझे ऐसा लगता है कि उस शख्सियत को, कोई भी शख्सियत हो, अच्छा इंसान होना बहुत आवश्यक है। बहुत सारी ऐसी इच्छाएं जो अधूरी रहेगी, जैसे कहना चाहिए मेरी माँ को 5 साल का था, मुझे छोड़ के चली गई, तो बहुत सारी इच्छाएं थी। उसके अलावा जीवन में कितनी बातें बताओ, जब माँ छोड़ जाती है तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिस करना पड़ता है, और मिस करने के बाद उसको अपना लेते हैं कि अब ऐसा है तो ऐसे ही होगा। लेकिन मैं ये कहूँगा, जो भी भगवान ने सोचा है हमारे लिए, किसी के आपके लिए, वो सब अच्छा ही सोचा। कुछ गड़बड़ हुआ, हम उसको इतनी ताकत रखना चाहिए कि वो संभाल लें। अरे भाई, ये तो कहानी है, मैं इलाहाबाद में पैदा हुआ, वहाँ से 80 किलोमीटर वाराणसी है, और बनारसी कहने लगे क्योंकि इलाहाबादी तो कह नहीं सकते, तपमत नहीं, लेकिन बनारसी कहते हैं इसलिए कि बनारस की पाल, बनारस के संगीत गायक गायिका इतने प्रसिद्ध थे, इलाहाबाद को इसी प्रसिद्धि प्राप्त किसी को दे रहे, इसलिए बनारसी गुरु कहते थे। और मैं एक बात बता दूँ आपको, मैं गुरु नहीं, मैं गुरु कभी होना चाहता हूँ और न होऊंगा, मैं अभी भी विद्यार्थी हूँ, विद्यार्थी रहूँगा, तभी मुझे लोग बहुत प्यार। सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे गुरु जो भगवान के सवाल हैं, उनकी उनका आशीर्वाद बहुत आवश्यकता है हम सभी कलाकार। उसके अलावा जो उनके में शक्ति है संगीत की, तो आपको देखे ही उनको क्या कहते हैं, जो उनको बहुत खुशी होती है और खुशी होगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर अपने आप को अच्छा रखता है तो अपने गुरु की भक्ति करनी है, संगीत की भक्ति करनी है, क्योंकि वह संगीत प्यार है। संगीत मेरे जीवन का एक नहीं सारा ही अंग है, तो मैं चाहता हूँ कि गुरु को अगर खुश रहेंगे तो संगीत हमेशा आपके पास परिपूर्ण रहेगा। नहीं तो सही बात है, बचपन को और कैसे भूल सकता है। बचपन की जो यादें हैं वो सारा जीवन याद रहती है, और उसका कभी आनंद आता है, कभी दुख भी होता है, और कभी बहुत ही खुश होता हो गया। हमारी माँ मुझे गोद में जाकर दूध पिलाती थी, सर में तेल लगाती थी, प्यार करती थी, अभी सुनाती थी अपने छाती की लगा कर, ये सारी बातें कहाँ मिलेंगी। और इसका जो आनंद है पूरी जिंदगी भर मैंने उठा, सभी उठाते। कलाकार की बात छोड़ दी, आप दुनिया में कोई भी किसी प्रकार का भी रिस्पॉन्सिबल जॉब हो या रिस्पॉन्सिबल काम हो, या भगवान ने उसी के लिए उस व्यक्ति को बनाया हो, एक अच्छा इंसान अगर होगा तो उसकी और खुशबू बढ़ेगी, उसकी और चमक बढ़ेगी, उसके जीवन में उनको जहाँ भी खड़े होंगे लोग दर्शन करेंगे, उसको बहुत प्यार करेंगे। फिर आपने उसमें जरा से पीछे हटा और लोग देखेंगे उसको। मुझे ऐसा लगता है कि उस शख्सियत को, कोई भी शख्सियत हो, अच्छा इंसान होना बहुत आवश्यक है। बहुत सारी ऐसी इच्छाएं जो अधूरी रहेगी, जैसे कहना चाहिए मेरी माँ को 5 साल का था,
मुझे छोड़ के चली गई, तो बहुत सारी इच्छाएं थी। उसके अलावा आप जीवन में कितनी बातें बताऊँ, जब माँ छोड़ जाती है तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिस करना पड़ता है, और मिस करने के बाद उसको अपना लेते हैं कि अब ऐसा तो ऐसे ही होगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो भी भगवान ने सोचा है हमारे लिए, किसी के आपके लिए, वो सब अच्छा ही सोचा। कुछ गड़बड़ हुआ तो हम उसको इतनी ताकत रखना चाहिए कि वो उसको संभाल। अरे भाई ये तो कहानी है, मैं इलाहाबाद में पैदा हुआ, वहाँ से 80 किलोमीटर वाराणसी है, और बनारसी कहने लगे क्योंकि इलाहाबादी तो कह नहीं सकते, तपमत नहीं, लेकिन बनारसी कहते हैं इसलिए कि बनारस की पाल, बनारस के संगीत गायक गायिका इतने प्रसिद्ध थे, इलाहाबाद को इसी प्रसिद्धि प्राप्त किसी को नहीं थी, इसलिए बनारसी गुरु कहते थे। और मैं एक बात बता दूँ आपको, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं गुरु कभी होना चाहता हूँ और न होऊंगा, मैं अभी भी विद्यार्थी हूँ, विद्यार्थी रहूँगा, तभी मुझे लोग बहुत प्यार करेंगे। सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे गुरु जो भगवान के सवाल हैं, उनकी उनका आशीर्वाद बहुत आवश्यकता है हम सभी कलाकार। उसके अलावा जो उनके में शक्ति है संगीत की, तो आपको देखे ही उनको क्या कहते हैं, उनको बहुत खुशी होती है और खुशी होगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर अपने आप को अच्छा रखता है तो अपने गुरु की भक्ति करनी है, संगीत की भक्ति करनी है, क्योंकि वह संगीत प्यार है, संगीत मेरे जीवन का एक नहीं सारा ही अंग है। तो मैं चाहता हूँ कि गुरु को अगर खुश रहेंगे तो संगीत हमेशा आपके पास परिपूर्ण रहेगा। भाई तो सही बात है, बचपन को और कैसे भूल सकता है, बचपन की जो यादें हैं सारा जीवन याद रहती है, और उसका कभी आनंद आता है, कभी दुख भी होता है, और कभी बहुत ही खुश होता हो गया। हमारी माँ मुझे गोद में जाकर दूध पिलाती थी, सर में तेल लगाती थी, प्यार करती थी, अभी सुलाती थी अपने छाती की लगा कर, ये सारी बातें कहाँ मिलेंगी, और इसका जो आनंद है पूरी जिंदगी भर मैंने उठाया, सभी उठाते। कलाकार की बात छोड़ दी, आप दुनिया में कोई भी किसी प्रकार का भी रिस्पॉन्सिबल जॉब हो या रिस्पॉन्सिबल काम हो, या भगवान ने उसी के लिए उस व्यक्ति को बनाया हो, एक अच्छा इंसान अगर होगा तो उसकी और खुशबू बढ़ेगी, उसकी और चमक बढ़ेगी, उसके जीवन में उनको जहाँ भी करोगे लोग दर्शन करेंगे, उसको बहुत प्यार करेंगे। अगर आदमी उसमें जरा से पीछे हटा और लोग देखेंगे उसको, मुझे ऐसा लगता है कि उस शख्सियत को, कोई भी शख्सियत हो, अच्छा इंसान होना बहुत आवश्यक है। बहुत सारी ऐसी इच्छाएं जो अधूरी रहेगी, जैसे कहना चाहिए मेरी माँ को 5 साल का था, मुझे छोड़ के चली गई, तो बहुत सारी इच्छाएं थी। उसके अलावा आप जीवन में कितनी बातें बताऊँ, जब माँ छोड़ जाती है तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिस करना पड़ता है, और मिस करने के बाद उसको अपना लेते हैं कि अब ऐसा तो ऐसे ही होगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो भी भगवान ने सोचा है हमारे लिए, किसी के आपके लिए, वो सब अच्छा ही सोचा। कुछ गड़बड़ हुआ तो हम उसको इतनी ताकत रखना चाहिए कि वो उसको संभाल। अरे भाई ये तो कहानी है, मैं इलाहाबाद में पैदा हुआ, वहाँ से 80 किलोमीटर वाराणसी है, और बनारसी कहने लगे क्योंकि इलाहाबादी तो कह नहीं सकते, तपमत नहीं, लेकिन बनारसी कहते हैं इसलिए कि बनारस की पाल, बनारस के संगीत गायक गायिका इतने प्रसिद्ध थे, इलाहाबाद को इसी प्रसिद्धि प्राप्त किसी को नहीं थी, इसलिए बनारसी गुरु कहते थे। और मैं एक बात बता दूँ आपको, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं गुरु कभी होना चाहता हूँ और न होऊंगा, मैं अभी भी विद्यार्थी हूँ, विद्यार्थी रहूँगा, तभी मुझे लोग बहुत प्यार करेंगे। सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे गुरु जो भगवान के सवाल हैं,
उनकी उनका आशीर्वाद बहुत आवश्यकता है हम सभी कलाकार। उसके अलावा जो उनके में शक्ति है संगीत की, वो तो आपको देखे ही उनको क्या कहते हैं कि उनको बहुत खुशी होती है और खुशी होगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर अपने आप को अच्छा रखता है तो अपने गुरु की भक्ति करनी है, संगीत की भक्ति करनी है, क्योंकि वह संगीत प्यार है। संगीत मेरे जीवन का एक नहीं सारा ही अंग है। तो मैं चाहता हूँ कि गुरु को अगर खुश रहेंगे तो संगीत हमेशा आपके पास परिपूर्ण रहेगा।